Now we getting paid every single day. Yeah, I was hustling, I could turn an 8 to a 28. Let me show you. 12, they can kiss my ass. Yeah, see them lights, but you know I got the strap. Go right up. Now we getting paid every single day. Yeah, I was hustling, I could turn an 8 to a 28. Let me show you. 12, they can kiss my ass. Yeah, see them lights, but you know I got the strap. Go right, I push the. हे गाइस वेलकम टू द चैनल जय जगन्नाथ। तो थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि मैंने लिया है एक डुकाटी पैनिगुला 959। काफी लोग शॉक हो गए हैं क्योंकि मैं डुकाटी का मतलब डुकाटी का इतना बड़ा फैन नहीं हूं, फिर भी मैंने डुकाटी क्यों लिया। एंड कुछ लोग ये भी मुझे क्वेश्चन करते कि भाई आप 8000 RR या तो हायबुसा 21 का एक पूल किए थे इंस्टाग्राम पे एंड आपने लिया लेकिन डुकाटी। एक्चुअली मैं फैक्ट बता रहा हूँ, जब मैंने अपना जो बुसा है बेचा तब मैंने सोचा था कि जो नया वाला जो मॉडल है हायबुसा 2021 जो मॉडल है वो लूँगा या तो 1000 RR लूँगा, इन दोनों में से कोई एक बाइक लेता, और उस वजह से मैंने वो बुसा बेचा। फिर जब मैंने पोल किया था तब 78% या 80% के आसपास लोगों ने वोट किया कि आप 1000 RR लो, लेकिन मेरे जो दोस्त हैं उन्होंने बोला कि तू अगर ले रहा है तो हायबुसा ले, क्योंकि हायबुसा जो है उसको लॉन्ग ट्रिप पे भी लेके जा सकता है, उसका हैंडल बार थोड़ा रेज भी कर सकते हैं हम लोग, लेकिन 1000 RR लॉन्ग ट्रिप्स के लिए नहीं बना है, वो नॉर्मल शॉर्ट राइड्स के लिए और ट्रैक फोकस बाइक है वो, तो उसमें अच्छा लगेगा तुझे, लॉन्ग ट्रिप में इतना मज़ा नहीं ले पाएगा। तो मैंने बोला कि चलो लेते हैं सुजुकी हायबुसा 2021। नॉर्मली आप अगर जब आप गाड़ी खरीदना चाहते हो तो आप क्या करते हो, आप डीलर के पास जाते हो, गाड़ी बुक करते हो, अगर गाड़ी अवेलेबल नहीं है तो गाड़ी बुक करते हो एंड कुछ एक टाइम पीरियड में आपको गाड़ी मिल जाता है। लेकिन इस बार सुजुकी का मतलब थोड़ा फंडा मुझे समझ में नहीं आ रहा, ऐसा क्यों इस बार किया है, मे भी कोई बड़ा रीज़न होगा इस बार, लेकिन गाड़ी आप डायरेक्ट जाके डीलर के पास जाके ऐसे बुक नहीं कर सकते जो नया वाला जो मॉडल है स्पेसिफिकली इसी बाइक में, मतलब हायबुसा का जो करंट जो नया वाला मॉडल निकला है उसी में आप डायरेक्ट बुक नहीं कर सकते हो। उनका वेबसाइट में एक स्लॉट खुलता है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट वेबसाइट में जाके भी डायरेक्ट बुक नहीं कर सकते हो, एक टाइम पीरियड में 1 घंटे के लिए एक स्लॉट खुलता है, उसी स्लॉट में पर डीलर 3 गाड़ी वो लोग बुकिंग अलॉटमेंट देते हैं, उसी टाइम में आप बुक कर सकते हो। तो लास्ट टाइम जो मतलब ये स्लॉट खुला था वो खुला था सितंबर में एंड वहाँ पे हमारे ओडिशा से एक्चुअली 3 गाड़ी बुक भी हुआ था एंड अभी तक वो गाड़ियाँ जो है अभी तक वो डिलीवर नहीं हुई है, मतलब दिसंबर हो चुका है, तो अभी तक वो वापस जो दूसरा वाला जो थर्ड फेज में जो स्लॉट खुलने वाला था वो दिसंबर में खुलने वाला है, बट पता नहीं कब खुलेगा, मतलब कोई श्योरिटी नहीं है। एंड अगर खुल भी जाता है और मैं गाड़ी बुक भी कर लेता हूँ तो लगभग 3-4 महीने मुझे वापस वेट करना पड़ेगा गाड़ी आने तक, और कोई श्योरिटी भी नहीं है कि मेरा ही बुक होगा, कोई और अगर बुक कर लेगा पहले मेरे से पहले तो उसका हो जाएगा, मेरा नहीं हो पाएगा। लेकिन मेरा यहाँ पे जान पहचान है तो मैं उन्हें बोल के रखा हूँ जो डीलर से है सुजुकी का, ज्योति सुजुकी, तो वहाँ पे मेरा एक फ्रेंड है वहाँ पे जॉब करता है, तो उसने मुझे बोला कि भैया मैं आपका बुक कर दूंगा लेकिन थोड़ा खुलने तो स्लॉट तो खुलने दो। तो मैं और इंतज़ार नहीं कर पा रहा था क्योंकि और 3-4 महीना बिना बाइक का, मतलब मेरे पास अभी करंटली आई डोंट हैव एनी बाइक, तो ऐसे राइड्स वगैरह भी हैं, अभी हम लोग कोरापुट जाने का प्लान कर रहे हैं दिसंबर में, विंटर राइड करेंगे, इसलिए मैं सोचा कि मतलब मुझे एक बाइक चाहिए। तो तभी मुझे ये ऑफ़र मिला, एक बढ़िया ऑफ़र, डुकाटी पैनिगुला 959 जो मैं करंट मॉडल जो लिया हूँ, बहुत अच्छे एक प्राइस में मैं लिया हूँ, और उड़ीसा का गाड़ी था, बहुत कम चला है, 7-8000 किलोमीटर चला था। हालांकि मैं बहुत बड़ा डुकाटी फ़ैन नहीं हूँ क्योंकि मैं खुद दुखाती बोलो डुकाटी दुखाती ऐसे मतलब मैं वह यूज करता था नॉर्मली चासिस के ऊपर, लेकिन डुकाटी ऑल ओवर वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट मोटरसाइकिल कंपनी है, लेकिन इंडिया में इंडिया का जैसा वेदर है, इंडिया में जैसा रोड्स हैं, उसके लिए गाड़ी एक्चुअली उस हिसाब से नहीं बना, वो बाहर की कंट्रीज़ के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इंडिया में थोड़ा दिक्कत होता है। एंड सबसे बड़ा इशू होता है इसका होता है हीटिंग इशू, अगर आप लोग को थोड़ा बाइक के ऊपर नॉलेज होगा तो इसका जो LTV इंजन है एंड ठीक सीट के नीचे आपको एक इंजन के ऊपर बैठते हो तो वो हीटिंग का वो एक इशू रहता है, बाकी पावर देख लो या तो लुक्स वाइज देख लो कोई भी बीट नहीं कर सकता है, द बेस्ट। सो एक छोटा सा किस्सा है मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि 2016 में जब मेरे पास बेनेली 899 था, उस टाइम मैं अपने शोरूम से थोड़ा निकल के ऐसे साईनगर की तरफ जा रहा था, तो मैंने लेफ्ट साइड में देखा एक बंदा डुकाटी में बैठा, कौन सा मॉडल था मुझे याद नहीं लेकिन ऐसे फेयरिंग वाला मॉडल था, एंड जब मैंने देखा कौन सा बाइक है भाई,
एंड तब साइड में छोटा सा यहाँ लिखा था डुकाटी। तो गाड़ी मतलब जैसे कि हमारा फेरारी और लैम्बोर्गिनी होता है कार्स में, उसी तरह हमें बाइक्स में होता है डुकाटी। अरे लुक्स में कोई मार नहीं सकता है, मतलब परफॉर्मेंस वाइज कोई मार नहीं सकता, लेकिन एक छोटा सा इश्यू हमारे इंडियन रोड कंडीशन में, इंडियन का जो वेदर है वो उस कंडीशन में थोड़ा मतलब ये है। तो उस टाइम में उसके बाद मैं जब बाइक खरीदा निंजा 1000 मैंने खरीदा अपने पर्पज के हिसाब से खरीदा कि मुझे गाड़ी चलाना है, लॉन्ग जाना है, तो उसी तरह से निंजा 1000 खरीदा। मैं चाहता तो उस टाइम भी गाड़ी खरीद सकता था, लेकिन बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे एक ऐसा बाइक चाहिए जिसको मैं मतलब लॉन्ग पे लेके जा सकता हूँ एंड डेली राइड वगैरह कर सकता हूँ, वीकेंड। अरे आगे, अच्छा विप्लव एंड प्रीतम इधर है, जिस दिन एक्चुअली ये डुकाटी लेने का प्लान कैसे बना मैं वो किस्सा भी बता देता हूँ। मुझे खबर मिला, एक व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया, रंजन बोल के एक लड़का है, वो यहाँ पे उसका एक कार सर्विस का दुकान था, वो मुझे कॉल किया कि मैसेज किया कि भैया ऐसे एक डुकाटी है, मैं फोटो भेज, फोटो देखा वीडियो देखा तो मुझे ठीक ठाक लगा, चलो गाड़ी देख लेते हैं। तो प्रीतम, मैं और विप्लव हम तीनों गए थे गाड़ी देखने के लिए, ऐसा कुछ खरीदने का नहीं था, बस देखने के लिए गए थे। एंड जब मैंने वो बाइक को देख लिया, रेड हॉट ब्यूटीफुल ब्यूटी, तो मुझसे मैं बोला चलो भाई 3-4 महीना 5 महीना भाई चले तो रख दो, इसको रख दूंगा अपनी जिंदगी भर अपने पास में, नहीं इसको लूंगा। और रहा नहीं गया, और गाड़ी काफी अच्छे कंडीशन में, मतलब ऑलमोस्ट दिस इज न्यू, ऑल न्यू, मतलब आप एक भी स्क्रैच नहीं है, मतलब बहुत अच्छे कंडीशन में गाड़ी है, गाड़ी बस पूरा न्यू है, दोनों टायर आगे पीछे दोनों का टायर न्यू है। मुझसे रहा नहीं गया, इमिडिएटली मैंने वो गाड़ी वहीं पे ही डील कर दिया, और जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैं गाड़ी खरीद चुका हूँ। सो गाड़ी मैंने उसको कहीं राइड पे लेके नहीं गया हूँ, इस संडे अगर बारिश नहीं होती तो डेफिनेटली राइड पे लेके जाऊँगा, एंड गाड़ी का परफॉर्मेंस कैसा है और बाकी जितने भी गाड़ी के ऊपर जो टोटल डिटेल्स है उस टाइम आपको मैं अच्छे से बताऊंगा। सो फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, राइट से ड्राइव कीजिए।